डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के राम मंदिर पर दिए एक बयान पर सियासी बवाल हो सकता है। मंदिर के लिए कानून बनाने की बात पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अभी मंदिर बनाने के दो विकल्प हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा बातचीत का। मौर्य ने कहा कि अभी ये दोनों विकल्प खुले हैं और राज्यसभा में हमारे पास नंबर भी नहीं है। हमारे संवाददाता विजय मिश्र ने बात की केशव प्रसाद मौर्य से। सर, राम मंदिर को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं। ये बताया जा रहा है कि अगर राज्यसभा में हमारा पूरी तरह से सहयोग होता या हमारे पास पूरी तरह से बहुमत होता तो शायद इसका एक विधेयक भी लाया जा सकता था। आपके जरिए शायद इस पे कुछ बोला गया। देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए लगातार राम भक्तों ने संघर्ष किया है, संतों की मांग रही है, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और एक लंबी लड़ाई है श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के, और विशेष तौर से हिंदू समाज के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो सरकार तो यही चाहती है कि जल्द से जल्द सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आए और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में भव्य मंदिर का निर्माण हो या आपस में समझौता हो जाए। ये जब दोनों विकल्प समाप्त होंगे और हमारे पास जो पर्याप्त नंबर की आवश्यकता होती, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, तो उस परिस्थिति में जब दोनों विकल्प समाप्त होंगे, लेकिन अभी ये दोनों विकल्प खुले हैं इसलिए अभी कानून बनाने की जरूरत अभी नहीं लगती है और हमारे पास उतने नंबर भी आज की तिथि में नहीं है। लेकिन अगर हम जिस प्रतीक्षा में हैं, हम ही नहीं हर राम भक्त प्रतीक्षा में कि जल्दी निर्णय आएगा। बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।